कांकेर जिले की ग्राम पंचायत हामतवाही आश्रित ग्राम सोनपाल तक ग्रामीणों को पहुंचने के लिए काफी मशक्कत का सामना करना पड़ता है। बरसात के दिनों में इस गांव के लगभग 400 परिवारों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट जाता है। स्कूली बच्चों सहित ग्रामीणों को आवाजाही में काफी परेशानी होती है। इसका मुख्य कारण सोनपाल गाँव को जोड़ने वाला पुल वुहिन कोरकसा नाला है, जहाँ बरसात के दौरान नाले में पानी भर जाता है, जिससे आवाजाही ठप हो जाती है, जिसके लिए ग्रामीणों ने जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर, कांकेर जन दर्शन विभागीय आला अफसर समेत तमाम क्षेत्रीय जन प्रतिनिधियों से पुलिया बनाने की मांग की, परंतु ग्रामीणों को उनके मांगों पर सिर्फ आश्वासन ही मिला। जहां तक ग्रामीणों ने पंचायत मंत्री अजय तक अपनी मांगों को लेकर पहुंचे और लिखित में जानकारी दी, परंतु मंत्री जी ने भी सभी आला अफसरों के जैसे ग्रामीणों को सिर्फ आश्वासन ही दिया। जब ग्रामीणों ने देखा कि मंत्री समेत सभी अफसर उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, तो सोनपाल के ग्रामीणों ने गांव में बैठक बुलाई और खुद श्रमदान कर अस्थायी पुलिया बनाने का निर्णय लिया और सोमवार को ग्रामीण कुल्हाड़ी हथौड़ा कील बांस बल्ली लेकर पुलिया के पास पहुंच गए, जहां ग्रामीणों ने खुद श्रमदान कर बांस और बल्ली के जरिए अस्थायी पुलिया का निर्माण किया, जिसमें सोनपाल के संजू राणा, बाल गोविंद राणा, रजनू राम कोला, सियाराम यादव, धनसिंह दुग्गा, जेता नागवंशी आदि लोग उपस्थित रहे। गिर पड़ जाते हैं तेकर बड़े पुलिया बनाया है ना, हमें घूम घूम के जैसे शॉर्ट कट जाना है बड़गांव, तो हम्मत वही होते हुए घूम के जाल पड़ते चिखली स्कूल बड़गांव स्कूल। अब कभी लेट हो जाते तो बच्चा मन रास्ते से ही घर वापस आ जाते। मांग करते आ रहे हैं, जब शासन तुरंत इस यानी कि स्वीकृति दिया दे देगा तत्काल हम लोग बना देंगे। कम से कम 2-3 पुल है सामने में भी, लेकिन बड़ा वाला नाला यही है, इसमें 6 मीटर का बनेगा और 2 ठोक में 2-2 मीटर का बनेगा। जैसे आदेश बने आएगा वैसे ही चालू कर देंगे हम लोग।